हाँ जी, हम आज करने जा रहे हैं बेटा 11th मॉड्यूल एसएसटी के चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के। इसका टॉपिक क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में आपको बताया गया था डिफरेंस, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर काम करते हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, उनके साथ गलत काम होने से कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, उसको आज के मॉड्यूल का ये टॉपिक है, ठीक है। जो अनऑर्गेनाइज में सेक्टर में वर्कर्स काम करते हैं, मेन प्रॉब्लम्स उन्हें क्या फेस करनी पड़ती हैं, सैलरी लो होती है, ठीक है, फिक्स आवर्स काम करने के नहीं होते, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ठीक है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जब कोई चाहे आपको क्या निकाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, कंडीशन ऑफ वर्कर्स, कंडीशन क्या होती है कि कंपनी वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, कंडीशन ऑफ वर्कर्स इसकी इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अच्छी नहीं होती, वर्कर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाता है उनसे और लेस उस काम के बदले में कम पे दी जाती है, ठीक है। मान लो एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, जो कंपनीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने की क्यों ट्राई कर रहे हैं, क्यों सेक्टर कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी है ऑर्गेनाइज सेक्टर को चेंज करके चाहती है, अभी प्राइवेटाइजेशन में कर दो, जैसे कहते हैं बिजली का महकमा है सारा का सारा ना, इसको प्राइवेट कर दो, जी ये है इसको प्राइवेट कर दो, ठीक है। क्या है, कंपनी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ टू फॉलो वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। जो कंपनी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है उसे बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से रूल आपको बताया था, उसे क्या टैक्स पे करना पड़ता है, लेबर की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, हेल्थ बेनिफिट्स का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसका उसका कारण क्या, ठीक है, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनको जो प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसको शेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग जो है कम हो जाएगी, उनका प्रॉफिट कैसे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी काम कर रहा है उसको क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रूल फॉलो गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने के, गवर्नमेंट कहती है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है वो भी दो, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है जो आपके वर्कर काम करता है फंड भी दो, उसे पे प्रॉपर दो, ठीक है, पे कम नहीं होनी चाहिए, ये सारा करने के लिए उन्हें क्या है, जो अपना मुनाफा है वो कम करना पड़ता, अपना खर्चा ज़्यादा करना पड़ता, ठीक, खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता है और उनका प्रॉफिट शेयर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कोई भी टैक्स पे करना है, लेबर लॉ को फॉलो करना है, हेल्थ बेनिफिट्स देनी है, सारा का सारा फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए उनका क्या प्रॉफिट शेयर कम होगा, ठीक है। इसलिए ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं वो कंपनीज वो चाहती हैं कि हम क्या करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्यों, क्योंकि ना तो वर्कर्स रूल फॉलो करना चाहते हैं ना कंपनी रूल फॉलो करना चाहती है, कंपनी कहती है कि हमें सारे टैक्स पे करने पड़ेंगे, वर्कर्स को प्रॉपर पे देनी पड़ेगी, अगर हम किसी को 20,000 दे दें उससे 7-8,000 में काम करवा लेंगे, ठीक है, उसी पे पर हम 3 आदमी और रख लेंगे, ठीक है, वो काम कर ही जाएंगे, हमारा बेनिफिट बढ़ जाएगा, हमें पैसे ज़्यादा बनने लग जाएंगे, ठीक है, ये कंपनी कहती है, ठीक है। कोई भी सोचता है अभी टैक्स गवर्नमेंट को ना पे करें, फॉर्म से टैक्स चोरी कर लें तो हमारा बेनिफिट और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं वो चाहती हैं अभी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाए, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गई, इसका क्या मतलब क्या प्रभाव पड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मजबूरी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना, शौक से नहीं वो करते, ये उन्हें ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब मिलती नहीं तो वो कहता चलो अगला कहता कि ठीक है हम और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम कर लेते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी बहुत कम, फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मालिक हैं या काम करवाने वाले हैं वो उन्हें क्या करते हैं, एक्सप्लॉयट कैसे करते हैं, एक्सप्लॉयट करने का मीनिंग क्या है, वो क्या करते हैं, कम सैलरी पे काम ज़्यादा करवाते हैं, सैलरी कम देते हैं और काम ज़्यादा करवाते हैं उनसे, ठीक है, ये है एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही तो दूसरे वर्कर का काम करना मजबूरी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ये जो करता है उसकी रेगुलर अर्निंग नहीं होती,
जब चाहे प्राइवेट जॉब वाला कह देता चलो ठीक है जी आप जाओ अब जरूरत नहीं है हमें, जो आइसक्रीम की मैंने एग्जांपल दी थी, मान लो कोई आइसक्रीम फैक्ट्री है वो सीजन में चलनी है, सीजन में चलेगी तो वो कहेगा अभी हाँ जी जितने जितने मंथ से जरूरत हुई तो वो क्या रख लेगा, अदरवाइज आपको कहेगा ठीक है आप जाओ। ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, ये देखा गया 1990 से ये रेगुलरली देखा गया है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं मूव कर रहे हैं उसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, इन रीजन की वजह से इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द पीपल इन्वॉल्व इन द, इसलिए गवर्नमेंट की एक जिम्मेवारी बन जाती है। ठीक है, क्या जिम्मेवारी बन जाती है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे जो कैसे गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आगे हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से वर्कर्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको डिवीजन की गई है तीन हिस्सों, ठीक है, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज और कास्ट वाइज। जो वर्कर रूरल एरिया से, रूरल एरिया में कौन कौन से वर्कर है, वेल्यूज की बात करें तो कौन से, कारपेंटर है, फार्मर है, लैंडलेस लेबर है, स्मॉल एंड मार्जिनल वर्कर एंड शेयर क्रॉपर। ठीक है, ठीक है, मान लो लैंड कारपेंटर वगैरह हो गए, फार्मर छोटे फार्मर हो गए, लैंडलेस जिनके पास जमीन नहीं है, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे काम करने वाले, शेयर क्रॉपर हम लोग जैसे करके हिस्से पे काम करवाते हैं, मान लो मेरी जमीन है फसल उगा लेंगे, ठीक है, इतना हिस्सा थोड़ा सा हिस्सा 20% टू दे देना, 80% दे देना, उसका भी काम बन गया और मेरा भी काम चल गया। ठीक है, यह आर्टिशियंस जो आर्ट से रिलेटेड है वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, लैंडलेस फार्मर को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, लैंडलेस फार्मर को जो बड़ा फार्मर है वो एक्सप्लॉइट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करता है। ठीक है, लेस कम पैसे दे के उससे क्या है काम ज़्यादा करवाता है। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है, रूरल सेक्टर गवर्नमेंट क्या करे, जो गरीब फार्मर है या कम फार्मर है उसे क्या करे, सीड्स प्रोवाइड करे, सीड्स समय पे उसे बीज प्रोवाइड करे। ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है, सब्सिडी दे, सब्सिडी कैसे होती है, सब्सिडी मान लो कोई उसने ट्रैक्टर लेना है, ट्रैक्टर पे अगर 4 लाख का ट्रैक्टर है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि 1 लाख रुपया उसका, 1 लाख रुपया उसका माफ कर, ठीक है, सब्सिडी कर। ठीक है, कोई खाद पे सब्सिडी दे देगी, कोई फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दे। ठीक है, थर्ड क्या चाहिए गवर्नमेंट को, चीप लोन दे, लोन की इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ना हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या करें, गवर्नमेंट स्टोरेज प्रोवाइड करो, ठीक है, और मार्केटिंग प्रोवाइड। ठीक है, मार्केटिंग के लिए उसकी जो फसल है उसको क्या मार्केट में सेल करने में क्या करें हेल्प। नेक्स्ट है, ठीक है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करो, हाँ जी। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी, ठीक है, नेक्स्ट अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में सेकंड आ गया, अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है, अर्बन एरियाज में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन से वर्कर आते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर, छोटी इंडस्ट्री वर्कर, स्ट्रीट वेंडर्स जो गलियों में बेचने वाले हैं, गारमेंट मेकर्स, ठीक है,
रैक पिकअप, रैक पिकअप जो कूड़ा करकट उठाते हैं, और कैजुअल वर्कर्स हेड लोड वर्कर्स हेड लोड को सिर पे भार उठाते हैं, वो सारे ठीक है। ये इनको गवर्नमेंट कैसे कर सकती है सपोर्ट, मान लो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर में क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट रॉ मटीरियल प्रोवाइड कर सकती है, फिर रॉ मटीरियल लेना रॉ मटीरियल की वो क्या पैसा प्रोवाइड कर सकती है, उसको जो रॉ मटीरियल की बात की जो चीज बना रही है, बनाने के बाद वो क्या मार्केट में सेल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स जो टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं, ठीक है, नीड टू प्रोटेक्ट में क्या गवर्नमेंट बचाने का काम, ठीक है। अगला सेक्टर नेक्स्ट है कास्ट वाइज, कास्ट वाइज देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेम्बर जो है शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, या बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, ये गलत है। कई बार जो जनरल कास्ट के लिए लो है उनके पास, वैसे उन्होंने ये फैक्टर बताया हुआ है चैप्टर में आपके कि बैकवर्ड क्लास वाले और जो शेड्यूल कास्ट वाले ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं, ठीक है, अनऑर्गनाइज सेक्टर में, पर ये नहीं है, जनरल सेक्टर के भी काम करते हैं जो मतलब लो है, जो भी तो नहीं जनरल सेक्टर वालों के पास सभी के पास 50,000 एकड़ या 20-30 एकड़ या 30-30 एकड़ जमीन है ही है, कोई जनरल जनरल कास्ट वाले भी हैं जिनके पास 2 एकड़ 3 एकड़ उनका क्या होता है, वो भी काम करते हैं एज ए लेबर भी काम करते हैं जनरल कास्ट वाले, ठीक है, जो मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट को नहीं कर सकते, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बना सकती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अगर गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी बनाएगी इससे क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से क्या है ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट होगी और सोशल डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। इसके साथ बेटा ये वाला आज का मॉड्यूल खत्म होता है आपका।